भाई बलवंत सिंह राजवाणा की रिहाई की मंग से सियासत लगातार बरकरार है। लुधियाना तो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट रवनीत सिंह बिट्टू ने मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है जिस च अपील की है कि राजवाणा की रिहाई ना की जाए। दरअसल अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी थी कि राजवाणा को जल्द रिहा किया जाए। उस चिट्ठी पर भी रवनीत बिट्टू ने सवाल चुके हैं। अमृतसर तो मेरे सहयोगी परमवीर सिंह औलख इस खबर से ज़्यादा जानकारी की सांझ पाउणगे। परम, यह खौफ किस चीज़ का है? रवनीत बिट्टू वार वार इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहे हैं कि जेकर बलवंत सिंह राजवाणा रिहा कर दिता गया तो वड्डी सरदर्दी खड़ी हो सकती है? क्यों लगता रवनीत सिंह बिट्टू नूं? बिल्कुल कृष्ण, सब तो पहलों मैं दस दिया कि जिस परिवार ने जिस जी नूं जिहड़ा गवाया हो, जिस कदर गवाया कि वह जी करता गया हो, उसनू लैके कितना कितने परिवार गाड़ी सुचेत रहा है। उसनू लैके जिहड़े रवनीत सिंह बिट्टू होरां दी तुसीं गल कर रहे हो कि उन्होंने चिंता कह दी है, चिंता इसे दी है क्योंकि उन्होंने दादा जी बेअंत सिंह जिहड़े सीगे उन्होंने घटना उन्होंने नाल हुई सी तो वह जिहड़े है उन्होंने मौत के घाट उतार दिता सीगा। बलवंत सिंह राजवाणा की जेकर असीं गल करिए उन्हां दी रिहाई की मंग जिहड़ी आ काफ़ी लंबे समय तो उठ रही है, तो उन्हों का जिहड़ा असीं कह लईए कि उन्होंने किसी वक्खवादी एक धार्मिक संस्था के नाल जोड़ के देखा जाता है। कई लोग उन्होंने धार्मिक वक्खवादी दे रूप वजो जानते हैं, पर सुखबीर सिंह बादल होर ने उन्हों की रिहाई की मांग की है। हालांकि जेकर थोड़ी जी असी कृष्ण पछाण चल जाइए तो तुम देखा होना जदों पांच चार दिन की रिहाई तो आए थे राजवाणा होरी, तो उन्होंने जरूर श्रोमणी अकाली दल नू वोट पाउण दी गल आखी सी। उन्होंने कहा कि जेकर पंथ की राखी रखाउणी है तो सिख कौम की राखी रखाउणी है तो श्रोमणी अकाली दल नू वोट जरूर पाई जाए। सो इसे का खमियाजा कितना कितने हुण असीं देख सकते हैं कि सुखबीर सिंह बादल भी हुण खुल के सामने आए हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि इन्हों रिहा किया जाए, जो इन्हां दी सज़ा बनती है वह पूरी हो चुकी है तो रिहा किया जाए। तो इस पर जिहड़ी टिप्पणी है असीं कह सकते हैं कि हुण रवनीत बिट्टू होरां ने कर दिती है क्योंकि वह कहिंदे ने कि इन्हां नू रिहा ना किया जाए। इन्हां नू रिहा करना क्योंकि जिहो जिहे इल्जाम उन्होंने सिर पर लगे हुए हैं, जिहड़ी सज़ा वह भुगत रहे हैं उसे लैके कितना कितने रवनीत बिट्टू जिहड़े है वह यही कहिंदे दिखाई देंदे ने कि आने वाले जेकर राजवाणा होरां दी रिहाई हुंदी है तो आने वाले समय के देश की जिहड़ी शांति है वह खतरे च पवेगी, पंजाब की शांति जिहड़ी है वह खतरे च पवेगी क्योंकि कुछ लोग जिहड़े हैगे ने, कुछ वक्खवादी लोग हैगे ने जिहड़े राजवाणा होरां दे नाल मिले हुए ने जी। पर सवाल सब तो वड्डा यह है कि राजवाणा की रिहाई नूं लैके विरोध किया जा रहा है, रवनीत बिट्टू नूं क्यों लग रहा है कि उन्होंने तो उन्होंने परिवार को यह खतरा साबित हो सकता है, खास करके सुखबीर सिंह बादल की चिट्ठी नूं लैके तिखे सवाल रवनीत बिट्टू वार वार चुक रहे हैं। बिल्कुल, रवनीत बिट्टू की जेकर तुसीं गल करदे हो तो मैं थोड़ा जिहा इत्थे होर जानकारी दे दिया कि उन्होंने इथों तक कह दिता है कि जे सुखबीर सिंह बादल नूं ज्यादा है तो वह राजवाणा नूं श्रोमणी अकाली दल का प्रधान जिहड़ा है वह थाप देन। सो कितना कितने सियासी बयानबाजी भी असीं इस नूं कह सकते हैं क्योंकि एक व्यक्ति नूं लैके जो कि असीं सिख जथेबंदियां दे नाल संबंध रखते हैं काफ़ी लंबे समय तो कृष्ण सिख जथेबंदियां जिहड़ियां ने वह भी राजवाणा की रिहाई की मंग कर रही ने। एक बार फिर यह जिहड़ी मंग है चाहे असीं भुल्लर होरां की गल कर लईए चाहे राजवाणा होरां की गल कर लईए, सो इन्हां नूं जिहड़ा है वह छड्डण की जिहड़ी कवायद है वह केंद्र सरकार कदों तो ही कर रही हैगी है, पर कुछ कारण करके इन्हां नूं नहीं छड्डिया जा रहा जिसकी जिहड़ी है आवाज़ जिहड़ी है लगातार केंद्र तक पहुँचाउण की जिहड़ी कोशिश है वह की जा रही है क्योंकि तुसीं देखिया होना दविंदर पाल भुल्लर होरां की रिहाई भी जिहड़ी है केंद्र कह रही है कि असीं कर दित्ती है पर दिल्ली सरकार कितना कितने रेड़का डा रही है। सो इसे लैके कितना कितने रेड़का जिहड़ा है रिहाई नूं लैके लगातार बरकरार है, सियासी मंजर जिहड़ा है वह भी सिखरां चल पो रहा है जी। शुक्रिया परम।